आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा एक ऐसे आक्रमणकारी की जो न सिर्फ भारत में आया था बल्कि आकर यही बस गया और यह एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसने आने वाले कई सालों तक यह राज किया था। मैं बात कर रहा हूँ बाबर की, जिसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। इस बाबर के बारे में कई झूठ फैलाए गए हैं और उसे किसी हीरो की तरह पेश किया गया है, फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो या फिर कोई वेब सीरीज हो या फिर कोई और किताब हो। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बाबर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको किसी भी किताब में या वेब सीरीज में देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगी। 21 अप्रैल 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली का तख्त हासिल किया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। बाबर ने इस लड़ाई में मारे गए इब्राहिम लोदी के 25,000 सैनिकों के सिर काटकर तकरीबन 35 फीट ऊंचा एक पहाड़ बनाया था। इससे ये पता चलता है कि बाबर कितना क्रूर था, जिसने मरे हुए सैनिकों के शवों का भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। भले ही कई इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से भारत के इतिहास की रचना की हो, लेकिन फिर भी बाबर के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सच तो उन्हें लिखना ही पड़ा। और उसी सच्चाई से ये समझ में आता है कि बाबर कितना क्रूर था। अगर बाबर का सच्चा इतिहास लिखा गया होता तो शायद भारत की स्कूल की किताबों में भी उसे जगह मिलनी मुश्किल थी। बाबर तैमूर और चंगेज खान का ही वंशज था, इसीलिए सत्ता की लालसा उसके खून में थी और जो मंशा उन दोनों की थी उसी मंशा के साथ बाबर भारत आया था। वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। बाबर को गाजी भी कहा जाता है, गाजी मतलब काफिरों का खात्मा करने वाला। बाबर एक क्रूर शासक था, बल्कि बाबर भी अपने आप को बड़े घमंड के साथ मूर्तियों का खंडन करने वाला बताता था। लेकिन दुनिया भर के इतिहासकार ही उसे शांति का प्रतीक और एक अच्छा राजा क्यों साबित करने में लगे हुए हैं, ये एक शोध का विषय है। बाबर के बारे में कई झूठ इतिहासकारों ने लिख कर रखे हैं, जैसे कि बाबर के समय में भारत में नई नई वास्तुकलाओं की शैली का विस्तार हुआ था, उसके कार्यकाल में भारत का काफी विकास हुआ। बल्कि सच्चाई तो यह है कि पहले से मौजूद स्थलों को तोड़कर नई रचना का निर्माण करना और उसे अपना नाम देना, यही काम बाबर ने किया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में इसी बाबर के सिपाही मीर बख्श ने किया था। इस मस्जिद को राम जन्मभूमि पर पहले से मौजूद एक मंदिर को तोड़कर बनाया था। यह भी कहा जाता है कि बाबर एक कवि था, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई बाबरनामा का जब हम सिर्फ एक पन्ना समझने की कोशिश करते हैं तो उसके द्वारा लिखी गई कविताएं कैसी होगी इसकी कल्पना करना थोड़ा आसान हो जाता है। बाबरनामा में वो लिखता है कि हिंदुस्तान के लोग दिखने में अच्छे नहीं हैं और ना ही वो बुद्धिमान है और ना ही इन लोगों में कोई काबिलियत है। उसने हिंदुस्तान के बाकी चीजों के बारे में भी तकरार करते हुए कहा था कि ना यहाँ के घोड़े अच्छे हैं और ना ही कुत्ते, ना यहाँ खरबूज अच्छा मिलता है और ना ही अंगूर। ये सारे शब्द बाबर के ही थे और उसने ये खुद बाबरनामा में लिख कर रखा है। वो हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों से इतना द्वेष करता था कि उसने ये आदेश दिया था कि मरने के बाद भी उसे हिंदुस्तान में नहीं दफनाया जाए। और इसीलिए जब 26 दिसंबर 1530 को उसकी मौत हुई थी तो कुछ दिनों के लिए तो उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शव को निकाल कर अफगानिस्तान ले जाया गया और उसकी इच्छा के अनुसार उसे वही दफनाया गया। बाबर को शराब की लत थी। बाबर के बेटे हुमायूं को तो शराब और अफीम की भी लत थी, लेकिन क्या आपको पता है कि बाबर की शराब की ये लत किसने छुड़ाई थी? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा वो योद्धा थे जो अपनी पूरी आयु में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। जब बाबर को पता चला कि उसकी टक्कर अब राणा सांगा से होने वाली है तो उसने डर के मारे शराब ही छोड़ दी और बाकी सभी गंदी आदतों से भी खुद को दूर कर लिया, ताकि वो खुद को महाराणा सांगा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर सके। हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम भी यह लेना में ठीक नहीं समझूंगा। उस सीरीज में फिक्शन के नाम पर बाबर का झूठा इतिहास दिखाया गया है और उसे एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की गई है। बाबर पर एक ऐसा ही प्रोग्राम बना था जिसका नाम था भारत एक खोज। इस प्रोग्राम के एक एपिसोड के आधार पर पूरे हिंदुस्तानियों का ब्रेन वॉश किया गया था और बाबर की छवि को पूरी तरह से बदल कर उसे एक अच्छे राजा के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन उसके सच्चे इतिहास को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
उम्मीद है आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरा आने वाला एपिसोड और मेरा गाना देख सके। जी हाँ, आने वाले कुछ दिनों में मैं अपना एक गाना रिलीज़ कर रहा हूँ इसी चैनल पर, तो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।